हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मुंबई दर्शन करने। हम कल शूट पे आए थे यहाँ पे और आज हम जाएंगे थोड़ा बहुत मुंबई घूमने। मुंबई का स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करना है। मैं तो काफ़ी बार आ रखी हूँ तो मैंने तो बहुत सारी जगह देखी है, पर पीरू फर्स्ट टाइम आई है तो पीरू को हम दिखाएंगे यहाँ की फेमस फेमस जगहें। मेनली तो कल जैसे बताया था कि शाहरुख खान का घर मन्नत, वो दिखाना है। सबसे पहले तो शायद हम जाएंगे जुहू बीच, क्योंकि पास में वही है तो वहाँ जाएंगे। और आज हम पूरे शाम तक मतलब घूमने का ही प्लान है, क्योंकि कल हमें वापस दिल्ली भी जाना है। अब हम दोनों ने ऑलमोस्ट सेम कलर पहन लिए, व्हाइट। गाइस, अभी हम बाहर आ चुके हैं और मुझे किसी ने बताया जहाँ हम रुके हैं ना, उसके जस्ट सामने कार्तिक आर्यन रहता है। जिस गाड़ी में जाएंगे हम, पहुंच गए हैं जुहू बीच के एरिया में। और यहाँ पे ये छत्रपति शिवाजी का स्टैचू है। और मेरी ना फर्स्ट टाइम की मेमोरी यहीं पे, जब मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमने के लिए इसी जगह पे आई थी। भाई यहाँ पे देखो, वो लग रही है वाटर स्पोर्ट्स होने लग गए, बोट और पैरासेलिंग वगैरह बता रहे हैं। जब मैं पहली बार आई थी ना, तब यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स नहीं होते थे। बहुत ही सारी फोटोज खिंचवाई थी एक अंदर से और सारी अपने फोन में ले ली थी। वो हमें ठग रहे थे, हमने उनको ठग लिया था। पीरू, कैसा लग रहा है बीच में फर्स्ट टाइम? अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। सब कैसे गर्मी हो, उनको गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है। वो वाला नहीं हो पाया, पर तेरा पैर में ऐसे पानी आता है फिर जाता है तो तुम लोग भी बोल रहे हो कि गंदा तू कर सकती, मतलब बैंड्रा बीच में करियो भाई, तू चप्पल लाई ही नहीं। तो पीरू पहली बार आई है, फिर भी हम उसको पैर यहाँ पे नहीं डालने दे रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे बैंड्रा बीच में जाएंगे वहाँ पे डालेंगे। और वैसे भी शूज़ पहन के आई है, मैंने इसको घर पे ही बोल दिया था भाई एक पैर वो रख ले, एक दूसरा फुटवेयर रख ले, क्योंकि ना मिट्टी में ना पैर धंसता है। पर ये रखा नहीं इसने अभी। भाई अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है, वो वाला वीडियो बना सकती है पैर पानी में डालने वाला। पानी आ गया पीरू। गाइस, जो बीच में जाने का मजा आता है ना, वो आता है सनसेट के टाइम पे, क्योंकि एकदम से सूरज ढलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, अभी हमने जुहू बीच तो देख ली है, मतलब पीरू को दिखा दी है, मेनली तो सब पीरू को ही दिखाना है। और अब हम जा रहे हैं कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने। अब देखते हैं क्या, वैसे मेरा प्लान था कि पीरू को पाव भाजी खिलाओ, यहाँ पे फेमस है जो आगे थोड़ा, तो पाव भाजी खानी है या साउथ इंडियन खाना है अभी जो मिल जाए वो, क्योंकि पीरू की फेवरेट तो पाव भाजी ही है। तो गाइस, अभी हम आ गए बनाना लीफ और हमने पानी पूरी और सेव पूरी के लिए बोल दिया है। तो गाइस, हमने मंगाया है एक सेव पूरी और एक पानी पूरी, और फॉर अ सरप्राइज यहाँ पे पानी पूरी में छोले नहीं है, आलू है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। और जिस बनाना लीफ में इन्होंने सर्व किया, हमने इडली और डोसा भी मंगाया तो वो भी खाएंगे। कैसा है? अच्छा, गाइस देखो, हमने मंगाया बैंगलोर स्पेशल मसाला डोसा और ये थट इडली। ये चलो भाई, खाना खा लिया, अब गाड़ी आ गई है, अब चलते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बांद्रा शाहरुख खान के घर के सामने, मन्नत के सामने। गाइस ये रहा शाहरुख खान का घर, मन्नत हमारे सामने, इतना बड़ा। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है। सोच अगर शाहरुख खान निकल जाए अभी, मैं पड़ जाऊंगी। और गाइस देखो कितने सारे लोग हैं, मतलब पता है कि अभी शाहरुख खान नहीं आएंगे, फिर भी खड़े हुए हैं। मतलब जब आते तो होंगे कभी ना कभी, फिर भी लोग खड़े रहते हैं। और वो वहाँ पे ऊपर एक जगह है ना, वहाँ से अपने बर्थडे में यहाँ पे, ये रही वो जगह, ये रही यहाँ पे खड़े होके। सोच अगर शाहरुख खान यहाँ पे खड़े होके हाथ हिलाए, मैं ऑलरेडी इमेजिन कर रही हूँ। और पीछे है बांद्रा बीच, और ये जो एरिया है इसे बोलते हैं बांद्रा बैंड स्टैंड। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स के घर हैं। गाइस, पीरू की तो सिट्टी पिट्टी को लो गई मन्नत देख के, मैं बोल रही हूँ फोटो खिंचाए यहीं पे खड़ी हुई है। पीरू की शक्ल तो रोने वाली हो गई थी मन्नत देख के। देखो ये है मन्नत पूरा यहाँ से यहाँ तक थोड़ा। गाइस, अभी हमने शाहरुख खान का घर देख लिया है और मतलब अच्छा ही लगता है यहाँ पे, ये एरिया भी बहुत अच्छा है। और पीरू तो एकदम सुन हो गई थी जाके। और यहाँ पे जो बांद्रा बीच है उधर हम नहीं गए, क्योंकि हम जाएंगे मरीन ड्राइव। कैसा लगा पीरू? तो भाई शौक में, अलग ही शौक में पीरू। मेरे सामने है बांद्रा वर्ली सीलिंग, ये
इससे क्रॉस करेंगे। हमारे सामने ये है एंटीला अंबानी का घर। तो अभी हम एक जगह आए हैं जिसका नाम है बैचलर्स। यहाँ पे शेक वेक बहुत फेमस है, ये जगह है वो, और ऐसा हमें बताया सौरभ ने, और इसने करवाया हमारा कौन सा शेक, चॉकलेट और हेजलनट, कि वो फेमस है। मेरा हेजलनट शेक आ गया है, कैसा? सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया में, और भाई लोग इतने ज्यादा हैं पर फिर भी कम है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। देखो ये जो भी फेरी चल रही है ना, इनसे जाते हैं वहाँ पे, पता नहीं फोन में दिख रहा होगा नहीं, एक पीछे एक आइलैंड है एलिफेंटा केव, तो वहाँ पे जाते हैं सब। हमने लिए कच्ची गेरी और अमरूद 30 रुपए का एक, बहुत पैसा, ये कच्चा आम है एकदम खट्टा, बहुत खट्टा। और गाइज ये देखो, ये है ताज होटल ओल्ड वाली बिल्डिंग। तो मेरे पीछे जो ताज होटल है ना, यहाँ पर अटैक हुए थे 26/11 के, और यहाँ पे गोलियों के निशान है, और आगे कैसे है जो पूरा एरिया, वहाँ पे 26/11 के गोलियों के निशान भी है, जो पास से मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हम पहुंच गए हैं नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव पे, और सामने है पूरा समंदर। और गाइस देखो ये जो पूरा है ना, इसे बोलते हैं क्वींस नेकलेस, यहाँ में पूरी लाइटिंग होती है। कैसा लगा मरीन ड्राइव? सुंदर। होटल रूम पे, और मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर रही थी, तो आज का भी दिन बहुत अच्छा रहा, मुंबई वगैरह घूमा। तो फिलहाल के लिए तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, तो ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।